आज के वीडियो में हम देखेंगे पेज मेकर में बुलेट्स और नंबरिंग का क्या प्रयोग होता है। इस कमांड का प्रयोग पेज मेकर में तैयार किए गए पब्लिकेशन के पैराग्राफ में स्वतः ही बुलेट तथा अंकों का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जिन पैराग्राफ के लिए बुलेट अथवा अंकों का प्रयोग किया जाना है उनको सिलेक्ट करके सर्वप्रथम उन्हें हैंगिंग इंडेंट प्रदान किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट प्रदान करने को इस कमांड का प्रयोग करने पर मॉनिटर स्क्रीन पर बुलेट एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स में बुलेट स्टाइल के नीचे 5 प्रकार की बुलेट स्टाइल का प्रदर्शन होता है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा था। इनमें से बुलेट स्टाइल को सिलेक्ट किया जाता है। यदि हम इन 5 बुलेट स्टाइल के अतिरिक्त कोई अन्य बुलेट स्टाइल का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन 5 बुलेट स्टाइल में से किसी एक बुलेट स्टाइल को सिलेक्ट करके कमांड बटन एडिट पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले एडिट बुलेट डायलॉग बॉक्स में कैरेक्टर के नीचे विभिन्न प्रकार के चिन्ह प्रदर्शित होते हैं, जिनमें से वांछित ऑप्शन को बुलेट के लिए चुन लिया जाता है। अब किस प्रकार से बुलेट और नंबरिंग का प्रयोग किया जाता है, आइए इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। पेज मेकर में बुलेट एंड नंबरिंग का प्रयोग लिस्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। लिस्ट 2 प्रकार की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम बुलेट्स को किस प्रकार से पेज मेकर में ऐड किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे मान लो हमने यहां पर कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं और अब हम चाहते हैं ये जो हमने लिखा हुआ है इसके सामने हम बुलेट का प्रयोग करें। बुलेट यानी कि कुछ ऐसे निशान जो आपके सिस्टम में पाए जाते हैं जो इन सभी ऑप्शंस को, जो लिस्ट बनी हुई इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बुलेट्स को लगाने के लिए आपको जाना है यूटिलिटीज मेन्यू के अंदर आने वाले ऑप्शन प्लगइन में। प्लगइन के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाएंगे तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आप बटन्स देख सकते हैं। बुलेट्स की कुछ बटन पहले से यहाँ पर दिया गया है, प्री डिफाइन यहाँ पर कुछ डिज़ाइन दी जाती हैं। इनके अलावा यदि आप और भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं, अपने बुलेट का डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो आप एडिट ऑप्शन में जाकर यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की और भी आपको डिज़ाइन दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी आपको डिज़ाइन यहाँ से मिल जाएगी। मुख्य रूप से यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है जो विंगडिंग करके आता है, ये देखिए यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्टाइल आपको दिखाई देने लगती है। इनमें से किसी भी एक पैटर्न को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसे हमने ओके किया। अब ये हमारी बटन में यहाँ पर डिफॉल्ट बटन्स में यहाँ पर दिखाई देने लगा। तो यदि आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो इसे हम एडिट बटन पर जाकर यहाँ पर बुलेट्स की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा बुलेट्स के अलावा यदि आप नंबर चाहते हैं तो हम नंबर बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की नंबर स्टाइल दिख जाएगा, जैसे अरेबिक न्यूमरल्स, अपर रोमन में, लोअर रोमन में, अपर अल्फाबेटिक में, लोअर अल्फाबेटिक में। तो आप इन नंबर्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बुलेट्स के अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी है, जैसे रेंज बताया गया कि फॉर नेक्स्ट 3 पैराग्राफ, इसे आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर करना है 3 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ। या इसके अलावा ऑल दोज विथ स्टाइल, जो स्टाइल में लगा हुआ है, हैंगिंग इंडेंट है या सब हेड है, उन्हें यदि आप करना चाहते हैं, कैप्शन को करना चाहते हैं तो आप रेंज में इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि हमको ये पूरा पैराग्राफ करना था तो हमने किया एवरी पैराग्राफ इन स्टोरी, और आप यह पर्टिकुलर सिलेक्टेड भाग को बस करना है तो ओनली सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो जो हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा केवल उसमें जाएगा। यदि एवरी पैराग्राफ इन स्टोरी करेंगे तो डॉक्यूमेंट के जो भी आपने टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट में उसके प्रत्येक पैराग्राफ में ये जो है बुलेट प्रयोग की जाएगी। तो हम यहाँ पर इस वाली बुलेट को हमने क्लिक किया और हम इसे ओके बटन के द्वारा क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जिस प्रकार जैसे ही हमने ओके किया तो सिलेक्टेड जो हमने किया हुआ था, सिलेक्ट किया था पेन और पेंसिल को, तो उसके सामने यहाँ पर ये बुलेट आपको दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से बुलेट एंड नंबरिंग के माध्यम से लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको यूटिलिटी मेन्यू के अंतर्गत आने वाले प्लगइन ऑप्शन में यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको दिखाई दे जाएगा।